हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस चैप्टर की समरी जानने जा रहे हैं वह चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो बेसिकली यह चैप्टर लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। तो आगे जाने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का मतलब बताता हूँ, जो इस चैप्टर का टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मतलब एक तस्वीर, ठीक है, ऑफ अ लेडी, लेडी मतलब औरत, मतलब एक औरत की तस्वीर। यह चैप्टर जो राइटर है खुशवंत सिंह, उन्होंने अपनी दादी के ऊपर लिखा है, यानी ग्रैंड मदर पे लिखा है। तो बेसिकली उनके बचपन में वो किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करे थे दादी के साथ, किस तरीके का बिहेवियर था, इमोशनल कनेक्ट था, साथ में वह अपनी फीलिंग्स दादी के साथ कैसे शेयर करा करते थे, पूरा डिटेल के अंदर खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया है। तो बेसिकली यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा सैड पार्ट आएगा और वो इस चैप्टर का मेन पार्ट है। जैसे आपके दादा दादी होंगे तो आप उनके साथ किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके का कनेक्शन आपका रहता है, जो लव रहता है, जो प्यार रहता है एक दूसरे के बीच में, वह पूरी चीजें इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करी गई है। मतलब बेसिकली पूरी भावनाएं इस चैप्टर के अंदर व्यक्त करी गई है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा भी बताया है कि हमारा बचपन दादी के साथ किस तरीके से बीता है, जब हम दादी से दूर चल जाते हैं तो फिर हमारे में क्या फीलिंग्स आती है, कितना बुरा लगता है, क्या चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होना शुरू होती है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर दिखाई गई है। तो जल्दी से चलते हैं हम हमारे चैप्टर में। चैप्टर कुछ इस तरीके से शुरू होता है। माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है इस चैप्टर के अंदर, वह खुशवंत सिंह कह रहे हैं। यहाँ पे शुरुआत किस तरीके से हुई है, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि माय ग्रैंड मदर, मतलब मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, जैसे कि हर बच्चों के पास, हर चिल्ड्रन के पास उनकी ग्रैंड मदर होती है, उनकी दादी होती है, वैसे ही मेरी दादी, माय ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो एक ओल्ड वुमेन थी, मतलब जो उनकी दादी थी वह बुढ़ापे के स्टेज में थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड व्रिंकल्ड फॉर दी 20 ईयर्स डैट आई हैड नोन हर। तो बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं कि जो उनकी दादी माँ है, दादी है, वह ओल्ड एंड व्रिंकल्ड है। व्रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन के चेहरे पे, यानी मतलब बेसिकली उनकी स्किन पे, फेस पे लाइन्स बन जाती है, झुरियाँ बन जाती है, तो उसे व्रिंकल्ड कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि शी हैड बीन ओल्ड, मतलब वो बूढ़ी हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, एंड व्रिंकल्ड, उनके स्किन पे, उनके फेस पे थोड़ी झुरियाएँ बन चुकी है, लाइन बन चुकी है। जब भी एक पर्सन ओल्ड हो जाता है तो उनके जो फेस होता है, जैसे हाथ होती है, तो वहाँ पे लाइन्स बन जाती है। ओके, फॉर दी 20 ईयर्स डेट आई हैड नोन हर, मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं 20 साल से मेरी दादी को जानता हूँ, जो कि ओल्ड है और व्रिंकल्ड है, ठीक है, झुरियाँ बनी हुई है। पीपल सेड डैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, बट डेट वॉज हार्ड टू बिलीव। तो यहाँ पर राइटर हमें एक बात और बताते हैं कि जो लोग बाग है, जो आजू बाजू के नेबर्स है, लोग है, वह कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, मतलब कोई ज़माने में, कोई टाइम्स में उनकी जो दादी होती थी वह बहुत ही प्रिटी होती थी, बहुत ही यंग होती थी। यंग मतलब जवान, प्रिटी, प्रिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ऐसा कौन कहते थे, ऐसा लोग कहते थे कि वो एक ज़माने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही यंग होती थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, मतलब लोग ऐसा भी कहते थे कि उनका कोई हस्बैंड था, उनके पास हस्बैंड था, ठीक है, बट डेट वॉज हार्ड टू बिलीव, मतलब यह बात पे विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ही हार्ड था। किसको, लेखक को, राइटर को, कौन है, खुशवंत सिंह। माय ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ दी मेंटल पीस इन दी ड्राइंग रूम। जो उनके ग्रैंड फादर थे खुशवंत सिंह के, जो दादा थे उनके, तो उनका जो पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट का मतलब बेसिकली होता है जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, जब एक पर्सन हमें छोड़ के चल जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका जो पोर्ट्रेट होता है, जो उनकी जो तस्वीर होती है ना, हम दीवार पे लगा के माला लगा देते हैं, है ना, तो पोर्ट्रेट का मतलब बेसिकली हो गया आपका तस्वीर, ठीक है। माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ दी मेंटल पीस इन दी ड्राइंग रूम। मेंटल पीस, मेंटल पीस का मतलब होता है अ स्ट्रक्चर ऑफ वुड, मार्बल और स्टोन अबव एंड अराउंड अ फायर प्लेस। सो आउट ऑफ इंडिया में क्या होता है कि जैसे कि कोई घर होता है, उसके अंदर जो ड्राइंग रूम होता है ना, तो वहाँ पे एक कॉर्नर पे नीचे के साइड में एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ वुड्स होती है, कुछ लकड़ियाँ होती है, जो कि उसके ऊपर फायर चल रही होती है, ठीक है, वो जल रही होती है, आग से जल रही होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं
मेंटल पीस। अब मेंटल पीस के ऊपर भी एक रैक होती है, वो एक पूरा रैक बना होता है और बीच के अंदर वो एक फायर प्लेस बनी होती है जहाँ पे सोफा वगैरह भी होते हैं, ठीक है। वो आपका बेसिकली ड्राइंग रूम के अंदर हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली बोला है जो खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर है उनका जो पोर्ट्रेट है, उनकी जो तस्वीर है, वह कहाँ पे लगी हुई है? हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मतलब दीवार पे जो मेंटल पीस है उसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है। हंग अबाउ द मेंटल पीस, ठीक है। ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी, साफा, ओके, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। ये कैसे पता चलता है? जब आप उस पोर्ट्रेट को देखेंगे, उनके दादाजी की तस्वीर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, मतलब बेसिकली मतलब हुआ जब आप उस तस्वीर को देखेंगे तो तस्वीर के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि जो उनके दादाजी है वह सर पे पगड़ी पहने हुए, साफा पहने हुए है, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, मतलब जो कपड़े पहने हुए हैं वह ढीले ढाले कपड़े हैं, ठीक है। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। फोटो में देख के कुछ ऐसा लगता था जो हिज लॉन्ग मतलब लंबी, लॉन्ग मतलब लंबी, वाइट बियर्ड, बियर्ड मतलब मूछे, ठीक है, दाढ़ी। तो जो उनकी दाढ़ी थी, जो उनके मूछे थी, बेसिकली कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, मतलब उनकी मूछे दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि मतलब जो उनका चेस्ट था ना, जो चेस्ट का एरिया था, छाती थी, उसका पूरा एरिया को किसने कवर कर लिया? दाढ़ी ने, मूछों ने। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old। और जब आप उस तस्वीर को देखोगे तो कम से कम वह 100 साल के लगेंगे आपको। अगर आप उनकी उम्र जानने की कोशिश करोगे तो मिनिमम 100 years यू विल सी दैट ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। जो उनके दादाजी थे उन्हें देख के ऐसा नहीं लगता था कि उनके कोई वाइफ होगी, कोई बच्चे होंगे, कोई चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, वाइफ मतलब पत्नी। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन। जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उनकी कोई वाइफ भी होगी, कि उनके कोई बच्चे भी होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उनके ढेर सारे बच्चे, लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत सारे लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोते पोती है, आपको देख के ऐसा लगेगा। उनको देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उनका कोई सिंगल चाइल्ड है, सिंगल बच्चा है, या फिर उनकी कोई एक सिंगल वाइफ है, पत्नी है, लेकिन आपको बेसिकली ऐसा लगेगा कि उनके पास बहुत सारे लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन है, बहुत सारे पोते पोती है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। रिवॉल्टिंग का मतलब होता है मुश्किल, बेसिकली हार्ड टू बिलीव, मतलब कोई भी एक चीज पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, हार्ड टू बिलीव, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि उनकी ग्रैंड मदर एक ज़माने में बहुत ही यंग हुआ करती थी, बहुत ही प्रिटी ब्यूटीफुल हुआ करती थी, लेकिन खुशवंत सिंह के लिए द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, मतलब वो यह बात पे विश्वास करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ही उनको हार्ड लग रहा था कि मतलब ऐसा भी कुछ हुआ होगा कि मेरी दादी एक ज़माने में बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, बहुत ही प्रिटी हुआ करती थी, बहुत ही यंग हुआ करती थी। तो यह बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी, थोड़ी हार्ड टू बिलीव थी, ठीक है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमेशा, जो कि उनके पोते पोती है जैसे खुशवंत सिंह हो गए, उन्हें बताया करती थी कि मतलब वो अपने बचपन में कौन कौन से गेम खेला करती थी जब वो बच्ची थी, अपने बचपन में बेसिकली जब वो चाइल्ड थी। ऑफन मतलब फ्रीक्वेंटली वो बोलती थी, ठीक है, मतलब जैसे आज बोल दिया, एक दो दिन बाद वापस बोल दिया, मतलब ऐसी ऐसे बातें बताती रहा करती थी। किन्हें? खुशवंत जी को। डेट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक दी फेबल्स ऑफ दी प्रोपेट्स शी यूज टू टेल अस। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, जो वर्ड है अब्सर्ड, इसका मतलब है अनरीजनेबल, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, मैं एक बार वापस पढ़ता हूँ। डेट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, मतलब जब दादी अपने पोते पोती को, अपने बच्चों को बताया करती थी कि मैं बचपन में ऐसे ऐसे गेम्स खेलती थी, जब मैं चाइल्ड थी, जब मेरा बचपन था, मैं ऐसे ऐसे गेम खेला करती थी, तो उनकी दादी को थोड़ा बहुत ऑड लगता था, अनरीजनेबल लगता था कि मतलब ये सब छोटी मोटी चीज़ है, मैं इन्हें क्यों बता रही हूँ, ये भी बच्चे, ये भी खेलते हैं। बेसिकली ग्रैंड मदर को ऐसा लगता था कि मतलब मैं ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को क्यों बता रही हूँ, अपने पोते पोती को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, बच्चों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उनका भी बचपन है, वो भी जानते हैं, वो भी खेल रहे हैं। दादी को थोड़ा ऑड लगता था कि मतलब ये ऐसी छोटी मोटी बातें बताना, ठीक है, पर वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। प्रॉपेट्स मतलब एक मैसेंजर ऑफ गॉड, एक पर्सन होता है जो कि गॉड का मैसेज कैरी करता है और एक बेसिकली अज्यूम कर सकते हैं एक ह्यूमन बींग है, उसे डिलीवर करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक यह जाना कि जो दादी है उनको थोड़ा ऑड लगता है बोलने में,
लेकिन अब हम बच्चों के साइड से देखते हैं, जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उन्हें ऐसा लगता था, वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स। फेबल्स मतलब कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई मैसेज, कोई टेल, कोई कहानी ऑफ द प्रॉपेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। ऐसा लगता था कि जो हमारी दादी है वह एक मैसेंजर है, वह एक प्रॉपेट है, गॉड का मैसेज कैरी करके लाके और हमें दे रही है। ऐसा किन्हें लगता था? उन ग्रैंड चिल्ड्रन को लगता था, बेसिकली कुशवंत सिंह जी को लगता था, ठीक है। लेकिन हमें पता है दादी को ऐसा लगता था कि मतलब थोड़ा ऑड है, अनरीजनेबल है ये सब बातें। लेकिन जो बच्चे हैं ना, बच्चे उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते थे कि मतलब हम बचपन में ऐसा गेम खेला करते थे, यह कहानी थी, वो थी, तो ऐसी बातें हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो सारी चीज़ें को देख रहे हैं ना, ये पूरी ग्रैंड मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बोलूँ तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका एक पर्सन की चरित्र चित्रण है, मतलब ग्रैंड मदर की विशेषता बता रहे, वो कैसे दिखते थे, वे कैसे थे, कौन कौन सी बातें थी जो उन्हें बिलीव नहीं होती थी उनके बारे में, उनके बिहेवियर एक्सेट्रा थिंग्स। यहाँ पे बोला शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट, मतलब शॉर्ट, यहाँ पे हम शॉर्ट का मतलब जानेंगे, वो ठिंगनी थी थोड़ी, ठीक है, मतलब शॉर्ट थी, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी। एंड फैट मतलब थोड़ी मोटी थी, ठीक है। एंड स्लाइटली बेंट मतलब आप समझ सकते हैं, जब एक पर्सन ओल्ड हो जाते हैं, मतलब थोड़े बूढ़े टाइप बन जाते हैं, उनकी एज हो जाती है, तो थोड़े बेंड हो जाते हैं, राइट, ओल्ड एज में थोड़े बेंड हो जाते हैं, उनकी कमर झुक जाती है। हर फेस वॉज अ क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। बेसिकली इस सेंटेंस का मतलब होता है, आप सिर से लेके पैर तक, एक हाथ से लेके दूसरे हाथ तक, आप कहीं भी उनकी स्किन पे देखोगे, जो बॉडी है, जो आउटर पार्ट है, आप अगर उससे देखोगे तो बेसिकली आपको सिर्फ क्राइस क्रॉस में, लाइंस में, ऑर्डर वाइज में व्रिंकल्स दिखेंगे। जो हमने पहले जाना ना, मतलब सेकंड लाइन में व्रिंकल का मतलब क्या होता है? झुर्रियाँ, ठीक है, लाइंस बन जाती है जब एक पर्सन ओल्ड हो जाता है, थोड़ा उनकी एज हो जाती है, राइट। तो मतलब उनकी पूरी स्किन पे झुर्रियाँ बनी हुई है, बेसिकली इस लाइन का यह मतलब है। No, we were certain she had always been as we had known her. तो यहाँ पे कुशवंत जी कहते हैं कि वो पहले भी वैसी थी और अभी भी वैसी ही है, क्योंकि हम उन्हें 20 साल से जानते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि जो लेखक है उन्हें कितने साल से जानते हैं, 20 years known her। जब से हम जानते हैं वो वैसे की वैसे ही है, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी वातावरण नहीं आया है। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. मतलब यहाँ पे बेसिकली बोला है ओल्ड, मतलब वो इतनी बुढ़ी हो चुकी है, so terribly old, इतनी बुढ़ी हो चुकी है, that she could not have grown older. मतलब already वो इतनी grow हो चुकी है, इतनी बुढ़ी हो चुकी है, वो और ज़्यादा grow नहीं हो सकती, and had stayed at the same age for 20 years. और 20 साल से वो एक ही एज में है। ऐसा कौन कह रहा है? कुशवंत सिंह। और जो एज गैप है वो कितना है? 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. यहाँ पे हमको दो वर्ड्स ध्यान रखने हैं, प्रिटी और ब्यूटीफुल। सबसे पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ प्रिटी। प्रिटी मतलब आप बेसिकली मान सकते हैं एक्सटर्नल ब्यूटी, जो बाहर से जैसे दिखते हैं, जो उनका लुक होता है अट्रैक्टिव होती है, वैसे जो बाहर का बेसिकली जो लुक होता है उससे हम कहते हैं एक्सटर्नल ब्यूटी, तो वो हो जाएगा आपका प्रिटी, ठीक है। और ब्यूटीफुल का मतलब होता है अंदर से, इंटरनल ब्यूटी, आपका दिल कैसा है, ठीक है, कितना बड़ा है, बेसिकली ये हो गया आपका इंटरनल ब्यूटी, ब्यूटीफुल। तो बेसिकली यहाँ पे कुशवंत सिंह हमें कहते हैं कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वह एक्सटर्नल ब्यूटी में अगर आप उन्हें मानेंगे कि मतलब वह कितनी अच्छी दिखाई देती थी, कितनी अट्रैक्टिव दिखाई देती थी, पर लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं थी एक्सटर्नल ब्यूटी में, इतनी प्रिटी नहीं थी, ठीक है, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो मन से, अपने दिल से हमेशा ब्यूटीफुल थी। बेसिकली वापस समझे कि वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं हुआ करती थी, वो सामने से अच्छी नहीं दिखती थी, लेकिन उनका जो दिल था, उनका जो मन था, उनकी जो भावनाएं थी, वह हमेशा ब्यूटीफुल थी, इंटरनल ब्यूटी हमेशा उनकी अच्छी थी, ओके। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेट वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोसरी। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, मैं आपको उनका मतलब बताना चाहता हूँ। हॉबल्ड, हॉबल्ड का मतलब बेसिकली होता है टू वॉक विथ डिफिकल्टी, बेसिकली लंगड़ा के चलना, ठीक है, आप ऐसे समझे। हाउस मतलब घर, स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस का मतलब क्या होता है? एब्सोल्युटली क्लीन और बिल्कुल प्योर। वाइट मतलब सफेद, वेस्ट, वेस्ट मतलब कमर। स्टूप, स्टूप का मतलब क्या होता है? गिर या फिर झुकाव। बीड्स,
बीट्स का मतलब क्या होता है, मन का या फिर माला, ठीक है, जो हाथ में पकड़ के माला फेरते हैं ना, उसे हम यहाँ पे कहते हैं बीट्स। ओके, तो बेसिकली इस सेंटेंस के अंदर बोला है कि शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, मतलब जो उनकी दादी माँ है, जो उनकी दादी है हॉबल्ड, वह लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है कहाँ पे, अबाउट द हाउस, हाउस के अंदर, इन स्पॉटलेस वाइट, मतलब उन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए हैं जो कि एकदम प्योर है, स्पॉट हो रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली प्योर है, ठीक है। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, मतलब एक हाथ उनकी कमर पे रेस्ट कर रहा है, उनकी कमर पे एक हाथ है, क्यों, क्योंकि वो झुक चुकी है, ठीक है, वो बेंड हो गई है, अब वो अपने वेस्ट पे, अपने कमर पे हाथ रख के क्यों चल रही है, टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो गिर ना जाए, ठीक है, उनकी कमर पे हाथ रख के चल रहे हैं। एंड दी अदर टेलिंग टू बैलेंस हर स्टूप, मतलब ताकि वो गिर ना जाए, एक हाथ कमर पे रख के चल रहे ताकि उनका बैलेंस बना रहे, ठीक है। आपने देखा होगा जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो थोड़े झुक जाते हैं, किसी को कमर में दर्द होता है, किसी को घुटने में दर्द होता है, तो बेसिकली जिनको कमर में दर्द होता है, जिनकी कमर झुक जाती है, जो लंगड़ा के चलते हैं, तो बेसिकली अपना जो एक हाथ है, चाहे वो आप राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, वो डिपेंड होता है कि कौन सी कमर झुकी हुई है, एक हाथ उस कमर पर रख के अपना बैलेंस बना के वे चलते हैं। ओके, एंड दी अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी, मतलब एक हाथ उनके वेस्ट पे है जो उनको बैलेंस दे रहा है चलने के लिए, और जो दूसरा हाथ है वह कुछ स्पेसिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, जो वो डिवोशन कर रही है, जो वो भगवान का नाम ले रही है, माला फेर रही है, भगवान की भक्ति बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, कौन, उनका दूसरा हाथ, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके हाथ में माला है, ठीक है, तो वो बेसिकली सिग्निफाई या स्पेसिफाई करता है। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर द पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, क्या मतलब हुआ, सिल्वर लॉक्स, सबसे पहले सिल्वर लॉक्स का मतलब जानेंगे, यहाँ पे बेसिकली आपको मतलब समझना है जो कि उनके बाल है, उनके हेयर है, वो बेसिकली व्हाइट कलर के हो गए हैं, सिल्वर कलर के है, ठीक है, तो हर सिल्वर लॉक्स मतलब उनके सफ़ेद बाल जो कि चांदी की तरह चमक रहे हैं, वे स्कैटर्ड अनटाइडली, मतलब उनके जो बाल है ना, उन्होंने उनको मतलब जो उनकी दादी है, उनके जो बाल है वो सिल्वर कलर के है, और उनके बालों को उन्होंने टाई नहीं कर रखा है, एकदम खुले है वो, ठीक है, कोई भी क्लिप नहीं लगा रखा है बालों में, सिर्फ खुले है, अनटाइड है। ओवर हर पेल, पेल का मतलब क्या होता है, लाइट इन कलर और शेड, बेसिकली आप समझ सकते हैं येलोइश, ठीक है, येलोइश टाइप का कलर है। ओके, पकर्ड, पकर्ड फेस मतलब क्या होता है, व्रिंकल्ड फेस, पूरे झुर्रेदार फेस, पूरी झुर्रियों का, झुर्रियों से भरा हुआ फेस, लाइंस वाला फेस। ओके, एंड अ लिप्स, लिप्स का मतलब क्या होता है, होट। तो बेसिकली यहाँ पे राइटर कहते हैं हर सिल्वर लॉक्स, जो उनके सफ़ेद बाल है जो कि सिल्वर की तरह दिख रहे हैं, वे स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, मतलब उनके बाल एकदम खुले हैं, कोई भी रबड़ बैंड नहीं लगा है, कोई भी क्लिप नहीं लगा हुआ है, ऐसे खुले हैं, कहाँ पे, उनके चेहरे के ऊपर, ठीक है, उनके पकर्ड फेस के ऊपर, जो कि एक व्रिंकल्ड फेस है, ठीक है, उनके चेहरे के ऊपर बाल है और ऐसे खुले पड़े हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, जो उनके लिप्स है, होठ है, कॉन्स्टेंटली मूव, मतलब ऊपर नीचे मूव करते जा रहे हैं, इन इनऑडिबल प्रेयर, मतलब एक ऐसी प्रेयर जो सिर्फ दादी ही सुन सकती है, वह बड़बड़ा रही है, वह सिर्फ खुद ही सुन सकती है, सामने वाले को सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पूरी दादी की विशेषता बता रहे हमें, हमने क्या क्या जाना, एक हाथ अपने कमर पे रख के, वेस्ट पे रख के चल रही है, झुकी हुई है, और दूसरे हाथ में क्या है, माला है, और होठों से क्या हो रहा है, होठों से मूवमेंट हो रही है, अप डाउन कॉन्स्टेंटली मूवमेंट हो रही है, क्या हो रही है, प्रेयर हो रही है, साइलेंट प्रेयर हो रही है, इनऑडिबल है, किसको, सामने वाले को, कोई भी हो, चाहे वो खुशवंत सिंह हो, उनके बेटे हो, उनकी बहू हो, कोई भी हो, ठीक है। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपैंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटिफुल, वो बहुत ही सुंदर थी, उनकी इंटरनल ब्यूटी बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप कुछ वर्ड्स की मीनिंग बताता हूँ, जो कि है, सबसे पहले है कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली, माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब पहाड़, ठीक है, एक्सपैंस, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, अ वाइड कंटिन्यूस एरिया ऑफ समथिंग। नेक्स्ट आता है सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, पीस, पीस का मतलब शांति, एक हार्मनी, ओके। देन लास्ट वर्ड आता है कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे एक वर्ड और बता देता हूँ, यहाँ पे दे रखा है विंटर लैंडस्केप,
मतलब जब विंटर का टाइम होता है, सामने पहाड़ रहता है, स्नोफॉल हो रही है, इतनी ठंडी लग रही है, जो वो सीन होता है ना, तो उसे हम कहते हैं विंटर लैंडस्केप। तो बेसिकली ये जो दो लाइन्स है, दो सेंटेंसेस है, उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, उनकी इंटरनल ब्यूटी बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी। ओके, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। जैसे कि मतलब जो पहाड़ी एरियाज होते हैं, जो माउंटेन्स एरियाज होते हैं, जब वहाँ पे ठंडी पड़ जाती है, विंटर आ जाता है, तो वहाँ पे स्नोफॉल होती है, गोले गिरने लगते हैं, है ना, तो वहाँ का जो सीन होता है कितना मज़ेदार होता है, वहाँ पे कितनी ठंडी होती है, वहाँ पे जाना, चिल आउट करना कितना इंटरेस्टिंग होता है, कितना एक एक्सपीरियंस टाइप का एक रोल होता है लाइफ के अंदर, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे कुशवंत जी वो सीन को अपनी दादी से कंपेयर कर रहे हैं। शी वॉज लाइक दी विंटर लैंडस्केप इन दी माउंटेन। जो वहाँ पे जो सीन बनता है स्नोफॉल के साथ, बारिश के साथ, ठंडी के साथ, वही सीन अपनी दादी के अंदर देखते हैं वो। कौन? कुशवंत सिंह। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वाइट सेरेनिटी मतलब उन्होंने पूरे वाइट कपड़े पहने, उनके बाल वाइट है, पूरा वाइट वाइट हो रखा है ना, स्पॉटलेस वाइट हो रखी है वो। कौन? उनकी दादी। वो इतनी एक्सपेंस हो चुकी है, वो इतनी वाइड हो चुकी है कि हमें लगता है वो बेसिकली ब्रीथ पीसफुली और कंटेंटमेंट के साथ कर रही है। कंटेंटमेंट का मैंने आपको मतलब बताया था, वो है स्टेट ऑफ बींग हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। वो मतलब खुशी है उनको, वो जो भी काम कर रही है, भगवान का नाम ले रही है, भक्ति कर रही है, सब चीज़ से सेटिस्फाई है, वह खुश है, वह पीस में है, हार्मनी में है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन दिस सिटी एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मतलब यहाँ पे जो कुशवंत सिंह है वो कहना चाहता है कि माई ग्रैंड मदर, मेरी मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, दादी और पोते का रिश्ता नहीं था, बल्कि हम एक बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे, बहुत ही अच्छे गुड फ्रेंड्स थे। एंड माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन दिस सिटी एंड वी वेर कंटिन्यूसली टुगेदर। जब उनके मम्मी पापा को कुछ काम आ जाता है, कि जब उन्हें सिटी में जाना पड़ता है, शहर में जाना पड़ता है कोई काम से, तो फिर जो कुशवंत सिंह होता है ना, जो बेसिकली उनके पेरेंट्स होते हैं ना, वे कुशवंत सिंह जी को उनकी दादी के पास छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो उनके पोते हैं कुशवंत सिंह, उनको अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं जब सिटी में चल जाते हैं, तो कुशवंत सिंह जी को उनके दादी के पास छोड़ देते हैं, ठीक है। वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, साथ में रहे वो दोनों, ठीक है। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। एक तो आपको अपने पेरेंट्स उठाते हैं सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए, वह एक चीज़ होती है, और जो दूसरी चीज़ होती है, जब आपको अपने दादा दादी उठा रहे हो सुबह कि बेटा उठो स्कूल जाना है, तो जो उनका प्यार होता है, जो उनका इमोशन होता है, वो जिस तरीके से उठाते हैं, उसे देखकर किन्हें अच्छा नहीं लगता। एक पेरेंट्स का लव अलग होता है, एक ग्रैंड पेरेंट्स का लव अलग होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो उनकी दादी थी, वह कुशवंत सिंह को, शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मॉर्निंग जल्दी उठाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, और मुझे तैयार भी करा करती थी स्कूल जाने के लिए। उन्हें नहलाती थी, उनका बैग जमाया करती थी, उन्हें रेडी करा करती थी, उन्हें कपड़े पहनाया करती थी, एक्सेट्रा थिंग्स। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाटेड एंड ड्रेस्ड मी इन दी होप डैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। तो बेसिकली जो दादी थी, वह अपने पोते को सॉन्ग के रूप में मॉर्निंग प्रेयर क्यों सुनाया करती थी? उनका क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, वो है इन दी होप डैट आई वुड लिसन, मतलब खुशवंत सिंह उस गाने को सुनेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, मतलब दिल से उस गाने के मतलब को समझेंगे, उस सुबह सुबह की प्रेयर को, प्रार्थना को समझेंगे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली एक एम था, ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, किसका? दादी जी का। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। यहाँ पे कुशवंत सिंह जी कहते हैं कि दादी का ये एम था, लेकिन मैं उनकी जो प्रेयर थी, जो सुबह सुबह की प्रार्थना थी, जो वो सॉन्ग के रूप में गाते थे, वह मैं इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़, वॉइस बहुत ही अच्छी लगती थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, मतलब उन्होंने कभी याद करने की कोशिश नहीं करी उस प्रेयर को, उस सॉन्ग को, बस उन्हें उनकी दादी की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती थी, इसलिए वह सुना करते थे, ठीक है। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me.
बेसिकली मतलब होता है, सबसे पहले हमने क्या देखा, पोते आई मीन दादी और जो पोता है जो खुशवंत सिंह जी है, दोनों साथ में रहते हैं। दादी उन्हें सुबह सुबह उठाती है, स्कूल के लिए रेडी करती है, उन्हें नहलाती है और उन्हें प्रेयर सुनाती है। ये सब करने के बाद में जो जो एक नॉर्मल बेसिक चॉर्स है, ये सब करने के बाद में देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। तो वो जो लेखक थे खुशवंत सिंह जी थे, तो दादी उन्हें उनकी स्लेट दिया करती थी। जो छोटे बच्चे होते हैं वे चॉक पीस लेके स्लेट में लिखा करते हैं ना, तो उसी तरीके से जो दादी होती है अपने पोते को खुशवंत सिंह जी को एक स्लेट देती है, वुडन स्लेट देती है, बेसिकली लकड़ी की स्लेट देती है, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जो कि उनकी दादी ने उस स्लेट को ऑलरेडी धो दी है, वॉश कर दी है। वॉश करने के बाद अपने पोते खुशवंत सिंह जी को देती है एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, और साथ में प्लास्टर करी हुई येलो चॉक देती है, अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा इंक पॉट। आपने इंक पेन सुना होगा, इंक पेन की जो इंक आती है यहाँ पे वही रेफर करा गया है, इंक पॉट, छोटा सा इंक पॉट देती है एंड ए रेड पेन, और रेड कलर का पेन, लाल कलर का पेन देती है। ये सारी चीज़ों को एक धागे से बांध देती है, टाई देम इन ए बंडल, एक बंडल बना देती है, उन्हें बांध देती है एंड हैंड इट टू मी। हैंड इट टू मी यहाँ पे रेफर कौन हो रहा है, खुशवंत सिंह जी। ये सब चीज़ें बांध के बंडल के रूप में खुशवंत सिंह जी को दे देती है, कौन, उनकी दादी माँ। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। तो बेसिकली यहाँ पे बोला है कि जो खुशवंत सिंह जी है स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट करके गए थे। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफ ए थिक, मतलब लाइटली ब्रेकफास्ट करा है, ज़्यादा हैवी नहीं करा है। स्टेल चपाती, एक चपाती रोटी है, विथ अ लिटिल बटर मतलब घी, थोड़ा बटर उस चपाती पे लगाया हुआ है एंड शुगर मतलब घी, शक्कर रोटी अपन कहते हैं ना, तो ये उसी तरीके से है। स्प्रेड ऑन इट मतलब एक चपाती पे घी लगे हुआ है, शक्कर लगे हुआ है, तो वो आपकी एक शक्कर रोटी बन गई है, घी शक्कर रोटी बन गई है। तो वो खाने के बाद खुशवंत सिंह जी स्कूल जाते हैं। यहाँ पे एक बात और नोटिस करने की यहाँ पे दीवी है, वी वेंट टू स्कूल, वी रेफर्स टू कौन है यहाँ पे, खुशवंत सिंह जी और उनकी दादी माँ। दादी माँ उन्हें छोड़ने गई है, ठीक है। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विथ हर फॉर दी विलेज डॉग्स। जैसे कि मैं पता है उनके मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स शहर में गए कुछ काम से, तो वो गांव में ही है ना। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस, मतलब बहुत सारी, मतलब कुछ कुछ चपातीस वो कैरी कर रही है अपने साथ उनकी दादी माँ, फॉर दी विलेज डॉग, मतलब गाँव के जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनके लिए, उनको खिलाने के लिए वो कैरी करी है, ठीक है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। क्या मतलब हुआ, जो उनकी दादी माँ है जब खुशवंत सिंह जी को स्कूल छोड़ने जाती थी, यहाँ पे एक रीजन दिया है, स्कूल के बाजू में मतलब स्कूल के पास में ही एक टेम्पल है, एक मंदिर है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू द स्कूल, मतलब वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, बिकॉज, कारण क्या है, रीजन क्या है, द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। आप इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्कूल के बाजू में टेम्पल है या फिर स्कूल ही एक टेम्पल है, एक मंदिर है शिक्षा का। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, एक पुजारी, एक पंडित। तो वो जो टेंपल के अंदर जो प्रीस्ट होते थे, वे उन बच्चों को जो स्कूल में आते थे उनको क्या क्या सिखाया करते थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो सुबह सुबह की जो प्रेयर होती है, जो मॉर्निंग प्रेयर होती है, एक वो वाली प्रेयर और एक अल्फाबेट्स, ठीक है, ए बी सी डी, ये सब किसको सिखाए जाते थे, खुशवंत सिंह जी को, जब वो अपने दादी के साथ में जाते थे स्कूल। While the children sat in the rows on the either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. Chorus, chorus का मतलब क्या होता है, the part of the song that is repeated at the end of each verse, मतलब जो भी एक line आती है जो हम बार बार repeat करके गाते हैं तो उसे हम chorus कहते हैं, ठीक है। Basically जो सारे बच्चे होते हैं वह एक साथ ही गा रहे होते हैं, ठीक है। Scriptures, scriptures का मतलब क्या होता है, शास्त्र books सच एज लाइक भगवद गीता, बाइबल एक्सेट्रा। वेरांडा, वेरांडा का मतलब हम हिंदी में कहते हैं ना बरामदा, उससे कहते हैं वेरांडा इंग्लिश में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वो स्कूल है उसकी, तो आप समझ सकते हैं स्कूल के अंदर ही टेम्पल है, ठीक है। तो एक साइड में क्या होता है, वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन द इधर साइड ऑफ द वेरांडा, जो वेरांडा होता है ना उसके एक साइड में तो सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं, सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। जो अल्फाबेट होते हैं ना जब साथ में पढ़ाते हैं तो सब एक साथ एक सॉन्ग की तरह गा रहे होते हैं, चाहे आप उसे अल्फाबेट समझ लो, चाहे आप उसे मॉर्निंग प्रेयर समझ लो, ठीक है। वो एक ही साथ में गा रहे होते हैं, एक ही ट्यून में, बहुत ही सुंदर ट्यून में, वो जो बच्चे होते हैं एक ही साइड बैठे होते हैं। लेकिन माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग दी स्क्रिप्चर्स, लेकिन जो खुशवंत सिंह जी की दादी थी वो अंदर बैठी थी
और क्या पढ़ रही थी, स्क्रिप्चर्स, जैसे कि कोई एक शास्त्र पढ़ रही होगी या फिर भगवद गीता पढ़ रही होगी या फिर बाइबल पढ़ रही होगी, कुछ ना कुछ कोई बुक पढ़ रही थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, जब हम दोनों का साथ में हो जाता था तो हम साथ में वापस घर जाया करते थे। ऐसा कौन कह रहा है, खुशवंत सिंह जी। क्या कह रहे हैं, क्या फिनिश हो जाता, जब खुशवंत सिंह जी की पढ़ाई फिनिश हो जाती, जो वो मॉर्निंग प्रेयर कर रहे थे, अल्फाबेट सीख रहे थे, पर डे का जो सीखना होता है वो ख़त्म हो जाया करता था और उनकी दादी का पढ़ना भी ख़त्म हो जाया करता था जब दोनों साथ में वापस घर भी जाते थे। ठीक है, दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। विलेज, विलेज मतलब गाँव, डॉग मतलब कुत्ते, ठीक है, विलेज डॉग्स मतलब गांव के कुत्ते, स्ट्रीट डॉग्स मतलब जो डॉग्स रोड पे रहते हैं, जो रोड पे चलते हैं, जो उनका घर रोड पे ही रहता है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रीट डॉग्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब खुशवंत सिंह जी और उनकी दादी माँ दोनों का काम हो जाता है तो वो साथ में जाते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो जो विलेज के डॉग्स होते हैं ना, वो उन्हें कहाँ मिलते हैं, एट द टेम्पल डोर, मतलब जो टेम्पल के बाहर डोर रहता है ना, जो दरवाज़ा रहता है ना, वहाँ पे सारे के सारे स्ट्रीट डॉग्स उन्हें मिलते हैं। क्यों, क्योंकि वो उन्हें खाना देते हैं। दे फॉलोड अस टू आर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर दी चपातीज वी थ्रू टू देम। मतलब ग्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, टू मेक अ लो नॉइस इन दी थ्रोट टू शो एंगर और टू गिव अ वार्निंग, मतलब गुस्सा करना, फाइट करना, फाइटिंग मतलब लड़ना झगड़ना। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जी क्या कहते हैं, जब हमारा काम हो जाता है, हम जब बाहर निकल जाते हैं, तो वो जो गांव के कुत्ते होते हैं ना, वो वहाँ पे खड़े होते हैं, हमारा वेट कर रहे होते हैं, फिर हमें फॉलो करते हैं वो। दे फॉलोड अस टू आर होम, मतलब घर तक उन्हें फॉलो करते हैं, ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं, कौन, डॉग्स, ठीक है, जो स्ट्रीट डॉग्स है, मतलब बहुत सारे डॉग्स होंगे, एक दूसरे पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फॉर दी चपातीस वी थ्रू टू देम, मतलब एक दूसरे से इसलिए लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, ताकि वो पहले खा सके, उनको खाना पहले मिल सके, इसलिए लड़ रहे हैं, चपातीस वी थ्रू टू देम, इसलिए वो आते थे ताकि उन्हें चपाती मिल सके। व्हेन माय पेरेंट्स वेर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस, मतलब जैसे कि हमें पता है जो उनके पेरेंट्स हैं खुशवंत जी के, वे सिटी में सेटल होने के लिए गए हैं और खुशवंत जी को किनके पास छोड़ दिए हैं, उनकी दादी के पास, है ना। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से हमें बहुत सारी नए नए चेंजेस देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको इस सेंटेंस का मतलब बना देता हूँ, जब उनके पेरेंट्स कंफर्टेबली उस सिटी के अंदर सेटल हो गए थे, मतलब घर वर ढूंढ लिया था, काम करने वाली, स्कूल पास में, दूर में, नौकरी, सब कुछ ढूंढ के सेटल हो गए थे, दे सेंट फॉर अस। दे सेंट फॉर अस का मतलब क्या होता है, दे कॉल्ड अस, मतलब जो खुशवंत सिंह जी के पेरेंट्स थे, अब वो उनके दादी माँ और खुशवंत जी को सिटी में बुला लेते हैं, कहाँ से, गाँव से। डेट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जो उनकी फ्रेंडशिप थी, एक दादी और पोते के बीच में जो फ्रेंडशिप होती है, जो प्यार होता है, अब वो सेपरेट होना चालू हो जाएगा। यहाँ से जो उनकी फ्रेंडशिप है उसमें नया मोड आने लग जाएगा, नया ट्विस्ट आने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता है अभी, जैसे खुशवंत सिंह जी गांव में थे, वहाँ पे उनको दादी का कितना सारा प्यार मिलता था, सुबह सुबह दादी प्यार से उठाया करती थी, स्कूल छोड़ने जाती थी, वापस साथ में लेके आती थी, मतलब पूरे दिन भर दादी के साथ ही रहते थे, कौन, खुशवंत सिंह जी, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। That was a turning point in our friendship. जब खुशवंत सिंह जी के पेरेंट्स ने उन्हें सिटी में बुला लिया, तो वहां से ही उनकी लाइफ में, उनके रिलेशन में, उनके फ्रेंडशिप में, किनके दादी और पोते में टर्निंग पॉइंट आया है। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब वो क्या क्या टर्निंग पॉइंट आया है, अब हम देखेंगे। Although we shared the same room, मतलब एक ही घर में रहते थे और रात को मैं दादी के साथ ही सोता था, ऐसा कौन कह रहे हैं, खुशवंत सिंह जी। दादी और उनका पोता कोई अलग अलग घर में नहीं रहते थे, वो एक ही घर में रहते थे, बल्कि एक ही कमरे में भी रात को सोते थे। बट माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, पर सिटी के अंदर मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। क्यों, यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मतलब जो खुशवंत सिंह जी थे ना, वो वैन में स्कूल जाया करते थे, जो मोटर बस है ना, जो स्कूल की वैन होती है, वे उसके अंदर स्कूल जाया करते थे, और इसी कारण से जो उनकी दादी थी, वे उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं आ सकती। और वो कौन से स्कूल में जाया करते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करते थे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जब वो गांव में थे, वह गांव में जाते थे, ABCD सिखाया करते थे, मतलब मोस्टली एक हिंदी मीडियम स्कूल रही होगी गांव में, ठीक है, पर यहाँ पे सिटी में आने के बाद वे इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं और वो मोटर बस में, वैन में स्कूल जाया करते थे। देयर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोस इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी एक ओल्ड पर्सन रहता है, मतलब अपनी पूरी लाइफ गाँव में
में बिताई रहती है उसने, जब वो एकदम से सिटी में आ जाता है तो बहुत सारी चेंजेस उसके लिए चैलेंजेस बन जाती है, जैसे कि मतलब उनकी डेली रूटीन, वो डेली क्या करते थे, और एकदम से ऑल ऑफ सडन डेली रूटीन चेंज होना, खान पीन चेंज होना, खाना पीना चेंज होना, एक्सेट्रा थिंग्स। तो बेसिकली गांव में उनकी दादी क्या करती थी, खुशवंत सिंह जी को स्कूल लेके जाया करती थी, फिर साथ में घर लाया करती थी, और साथ में डॉग्स रहते थे, वो उन्हें खाना भी देती थी। पर सिटी के अंदर क्या हो गया, अब वहाँ पे डॉग्स उन्हें नहीं मिल रहे। लेकिन दादी क्या करती है, देर वेर नो डॉग्स इन दी स्ट्रीट्स, मतलब जो सिटी के स्ट्रीट्स थे ना वहाँ पे डॉग्स नहीं थे, कुत्ते नहीं थे जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन दी कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस। कोर्ट यार्ड का मतलब क्या होता है, घर का आंगन। तो अब वहाँ पे डॉग्स तो नहीं मिलते थे दादी जी को, तो अब वो दादी जी क्या करती थी, जो वहाँ की स्पैरोज रहती थी, चिड़िया रहती थी, उन्हें दाना दिया करती थी, ठीक है, उन्हें खाना खिलाया करती थी इंस्टेड ऑफ डॉग्स। कहाँ पे, सिटी के अंदर। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे अब खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे वर्ष साल बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, मतलब मैं मेरी पढ़ाई में इतना बिजी हो गया कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम देखते थे, नहीं के बराबर थे, बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल्स, बिजी लाइव्स, ठीक है। तो जो दादी और जो पोते थे ना, वह एक दूसरे को कम देखते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। कोई कोई समय, कोई कोई टाइम में क्या होता था, जो उनकी दादी थी वह कंटिन्यू करती थी खुशवंत सिंह जी को, कभी कभी सुबह सुबह उठाया करती थी, ठीक है, और स्कूल के लिए रेडी भी करा करती थी, ठीक है। वेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी वॉट द टीचर हैड थॉट मी। जब वो खुशवंत सिंह जी स्कूल जाके वापस घर आया करते थे, मतलब बेसिकली स्कूल से घर आया करते थे, तो उनकी दादी खुशवंत सिंह जी से कभी कभी पूछा करती थी, मतलब जो टीचर्स है उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया आज, ठीक है, ये सारी डिटेल पूछा करती थी, आज तुमने क्या नया सीखा, ओके। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, एचिमेडिस प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बींग राउंड, एक्सेट्रा। तो खुशवंत सिंह जी जब घर आया करते थे तो उनकी दादी उन्हें पूछा करती थी, तुमने आज क्या नया सीखा, तुम्हारे जो टीचर है उन्होंने तुम्हें आज क्या नया सिखाया। तो वो जो खुशवंत सिंह होते थे ना, वे कभी कभी दादी को बताया करते थे नए नए इंग्लिश के वर्ड्स बताया करते थे, अंग्रेजी के वर्ड्स बताया करते थे, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, जो अपन साइंस पढ़ते स्कूल के अंदर, वैसे कुछ अट्रैक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह बताया करते थे साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटीज के लॉज होते थे, एक्सेट्रा थिंग्स, जो बहुत सारे हमारे लॉस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी नई नई चीज़ें खुशवंत सिंह जी को पढ़ाए होते थे, वे खुशवंत सिंह जी अपनी दादी को बताया करते थे। जैसे कि हम साइंस पढ़ते स्कूल के अंदर, तो हमें बताया करते कि मतलब जो अपनी दुनिया है, जो अपना अर्थ है, वह पूरा एकदम गोला है, गोल है, उसका शेप एकदम राउंड है। तो जो भी चीज़ें वो खुशवंत सिंह जी सीखते थे ना, वे अपनी दादी को बताया करते थे। लेकिन दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन जब दादी ये बातें सुनती थी ना, तो वह दुखी हो जाती थी, उनकी खुशी होती थी ना वह गायब हो जाया करती थी। उन्हें अच्छा लगता था कि उनका जो पोता है वह स्कूल जा रहा है, लेकिन यह सब चीज़ें जो उसके स्कूल में उसको सिखाया जा रहा है, यह सब सुन के उन्हें बेहद दुख होता था, ओके। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। क्यों होता था उन्हें दुख, क्योंकि ग्रैंड माँ अपने पोते को कुछ भी नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि वो उन्हें नहीं आता है लॉज ऑफ ग्रेविटी, नए नए इंग्लिश के वर्ड्स उन्हें इंग्लिश नहीं आती, वेस्टर्न साइंस लर्निंग ये सब चीज़ें उन्हें नहीं आती, अर्थमेटिक के प्रिंसिपल्स, अर्थमेटिक, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, एक्सेट्रा थिंग्स। गाँव में क्या होता था, जो भी पढ़ाया जाता था वह सब दादी को आता था, तो दादी अपने पोते को पढ़ाने में हेल्प करती थी, पर यहाँ पर दादी हेल्प नहीं कर सकती, तो इसलिए दादी माँ थोड़ी दुखी हो जाती है। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे थॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। क्या मतलब हुआ, जो खुशवंत सिंह जी की दादी थी ना, वह विश्वास नहीं करती थी, मतलब जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो जो सिटी की इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, वह उन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और वो थोड़ा सा दुखी भी हो जाती है यहाँ पे, मतलब स्कूल के अंदर, मंदिर के अंदर गॉड के बारे में कुछ नहीं सिखाया जा रहा है, भगवान के बारे में कुछ नहीं सिखाया जा रहा है, स्क्रिप्चर्स जो हमारे शास्त्र है, जो भगवत गीता है, उसके श्लोक वगैरह, ऐसे ऐसे कोई भी चीज़ों के बारे में नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि जो फॉरेन एजुकेशन है सिर्फ वो सिखाया जा रहा है, जो कि मतलब लाइफ में एक मॉरल टाइप का काम नहीं करती है। लेकिन अगर बच्चों को शुरुआत से भगवान के बारे में बताया जाए, कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाए, मतलब कॉमन सेंस की बातें, जैसे कि अपन सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, पैर छुए, ऐसी ऐसी चीज़ें अगर सिखाई जाए ना, तो बच्चे अच्छे संस्कार से बड़े होते हैं। तो दादी थोड़ा सा यहाँ पे दुखी हो गई थी कि मतलब भगवान की बातें, गॉड की बातें, स्क्रिप्चर्स की बातें यहाँ पे वो उसके स्कूल में नहीं कर रहे हैं। वन डे आई अनाउंस डैट वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेसन्स, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड।
और एक दिन मैंने अपनी दादी माँ को यह भी बताया था कि मुझे अपने स्कूल में म्यूज़िक के लेसन्स दिए जाते थे, म्यूज़िक की क्लासेस होती थी। तो दादी यह सुन के है ना थोड़ा डिस्ट्रेस हो जाती है, ठीक है, थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। स्कूल में गाना बजाना कोई पढ़ाई होती है? ऐसे ऐसे सोचते हैं, ठीक है। टू हर म्यूज़िक हैड लूज एसोसिएशंस। जब उनकी दादी सा को पता चला कि मतलब स्कूल के अंदर म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे, तो वो और ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, थोड़ी और ही ज़्यादा दुखी हो गई। क्यों डिस्टर्ब हो गई, क्यों और ज़्यादा दुखी हो गई? क्योंकि उनकी दादी जी का यह मानना था टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है ल्यूड एसोसिएशन। इसका मतलब होता है बेसिकली अ थिंग विच इज़ वर्गलर नॉट डिग्निफाइड एंड हैविंग लो वैल्यूज एंड नॉट मेंट फॉर जेंटलमैन। वह अपने पोते को एक जेंटलमैन की तरह देखती है, कौन, उनकी दादी। और साथ में उनका यह भी मानना है कि यह जो गाने बजाने का, गाना गाने का, म्यूजिक क्लासेस का, ये जो ये मतलब सारा काम है ना, यह बहुत लो पीपल का काम है। लेकिन दादी अपने पोते को एक जेंटलमैन देखती है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है, वह स्कूल में जा रहा है, उसे क्लासेस तो अटेंड करनी ही पड़ेगी, वह कुछ नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पे दादी थोड़ी दुखी हो जाती है। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक्स। हार्लट्स, हार्लट्स का मतलब प्रोस्टिट्यूट लोग, वैश्या लोग, एक्सेट्रा, ठीक है। बेगर्स मतलब भिखारी, ओके। जेंटल फॉक का मतलब क्या होता है, पीपल ऑफ नोबल बर्थ। तो उनकी जो दादी थी ना, उनका यह मानना था कि यह जो गाना बजाने का काम है, म्यूज़िक का काम है, ये सब जेंटल फोक के लोगों का काम नहीं है, ये भिखारियों का काम है, बेगर्स का काम है, हार्लट्स का काम है, वैश्या जैसे लोगों का काम है जो मतलब गाने बजाते हैं, ये सब ऐसे काम करते हैं, ठीक है। ये जेंटल फोक के लिए नहीं है, ये जेंटलमैन के लिए ऐसा काम नहीं है। लेकिन वह थोड़ी दुखी भी हो जाती है क्योंकि उन्हें स्कूल में सिखाया जाता है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। तो दादी माँ ने यह सब सुन के खुशवंत सिंह जी से कुछ कहा नहीं, लेकिन जब वो साइलेंट हो गई थी, एकदम साइलेंस हो गई थी, जब वो एकदम खामोशी के स्टेट में चले गई थी, तो उसका मतलब जो सामने जो खुशवंत सिंह जी थे ना, वह उन्हें लग रहा था कि मतलब ये दादी इस बात से अग्री नहीं कर रही थी। दादी को पसंद नहीं आ रहा था कि मैं जिस स्कूल में जा रहा हूँ वह स्कूल अच्छी नहीं है दादी के अनुसार, ठीक है। डिसअप्रूवल मतलब ना खुश होना। उनकी दादी यह सब चीज़ें सुन के, जो मतलब उनके स्कूल में सिखाया जा रही है, उनसे कराया जा रहा है, जो जो मतलब सिखाया जा रहा है, तो यह सब सुन के उनकी दादी जी खुश नहीं थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट। जब यह सारी बातें खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी को बताई, उसके बाद में जो दादी थी, दादी ने भी खुशवंत सिंह जी से बात करना कम कर दिया, ठीक है। शी रेयरली टॉक टू मी, रेयरली मतलब बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। कोई 100 सिचुएशन में से एक सिचुएशन पर बात करी होगी दादी ने, किससे, खुशवंत सिंह जी से, ये आफ्टर डैट, ये सब बातें बताने के बाद। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब यहाँ पे आप अपने कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे जैसे टाइम पास होता गया, लेखक भी जो मतलब खुशवंत सिंह जी है, जो अपने दादी के पोते हैं, वे भी धीरे धीरे बड़े होते गए, ठीक है। और जब वो यूनिवर्सिटी में आए, आप समझ सकते हैं जैसे कि वो एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, कुछ भी आप समझ सकते हैं। लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे खुशवंत सिंह जी को एक खुद का कमरा मिल गया था। अब जो कॉमन लिंक था उनकी दादी और उनके बीच में, अब वो भी ख़त्म हो गया। पहले तो दादी के साथ में सोया करते थे, एक ही घर में थे, हालांकि अभी भी एक ही घर में है, लेकिन जो कॉमन लिंक था, जो साथ में रात को सोया करते थे अपनी दादी के पास, अब वो भी सेपरेट हो गया, वो भी बदल गया। खुशवंत सिंह जी को अपना एक नया कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, मतलब जो कॉमन लिंक था दादी और पोते के बीच में, जो साथ रहने का जो कनेक्शन था, अब वो यहाँ से और ज़्यादा टूट गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सोल्यूशन विथ रेसिग्नेशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो सेपरेशन को एक्सेप्ट करना, सेपरेशन, ठीक है। रेसिग्नेशन मतलब इस्तीफा, बेबस होकर इस्तीफा दे देना। तो जब उनकी दादी को यह बात पता चली कि मतलब मेरे पोते को एक नया रूम मिल रहा है, एक सेपरेट रूम मिल रहा है, तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेपरेशन विथ रेसिग्नेशन। चुपचाप उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी कि मतलब उनके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि मतलब खुशवंत सिंह जी को एक नया रूम देना है, तो दादी माँ ने कुछ भी नहीं कहा, वह ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर ली, हंसते हंसते एक्सेप्ट कर ली। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी में आने के बाद जो खुशवंत सिंह जी है और उनकी दादी माँ है, दोनों के बीच में रिश्ता धीरे 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 कट होता जा रहा है। पहले तो स्कूल में भी साथ जाया करती थी, वापस घर लेके आया करती थी, वो भी ख़त्म हो गया। फिर बाद में एक ही कमरे में रहते थे, अब वो वाला भी कनेक्शन कट हो गया, वो वाली भी लिंक कट हो गई। तो बेसिकली बेबस होकर उनकी दादी माँ ने यह जो रेसिग्नेशन है ना, उसको एक्सेप्ट कर लिया,
क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 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 पे कुछ चीज़ों को चेंज होना पड़ता है। तो इसलिए दादी माँ ने कुछ भी नहीं कहा, उस रेसिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे आप कुछ थोड़ी सी ऐसे बातें भी समझ सकते हैं कि मतलब दादी का थोड़ा बस नहीं चल रहा हो, दादी अगर दादी बोले भी तो सामने वाले उनकी बात नहीं मान रहे हो, जो उनके पेरेंट्स से बात नहीं मान रहे हो, कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हुए होंगे। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन। तो अब हमें पता है कि मतलब खुशवंत सिंह जी का भी कमरा अलग हो गया, दादी का भी कमरा अलग हो गया है। तो अब दादी माँ क्या करती थी, अब दादी माँ पता है क्या करती थी, स्पिनिंग व्हील चलाया करती थी। स्पिनिंग व्हील का मतलब क्या होता है, जो चक्रा होता है ना उससे हम कहते हैं स्पिनिंग व्हील। दादी पूरा दिन चक्रे को चलाने में व्यस्त रहती थी। एंड रेयरली टॉक टू एनी वन, मतलब अब तो सबसे रेयरली बात करती थी दादी माँ, सिर्फ खुशवंत सिंह जी से नहीं, ठीक है, सबसे, उनके घर में जो भी मेंबर्स थे सबसे रेयरली बात करती थी। क्यों? क्योंकि उनके वो खामोशी थी, उनकी साइलेंस थी, कोई समझ नहीं पा रहा था कि मतलब दादी माँ कितनी दुखी है, दादी माँ को कितना हर्ट हो रहा है ये सब चीज़ों से। पर वो कर भी क्या सकती है, उनकी कुछ चल भी नहीं रही थी, ठीक है, कोई उनकी बात मान भी नहीं रहा था, ऐसे समझे। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। मतलब सनराइज सूरज उगने से पहले टू सनसेट, सनसेट मतलब सूर्यास्त होने के बाद, मतलब ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है ना सनराइज टू सनसेट, शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग, जैसे सूर्यास्त होता ग्रैंडमा आती और वो जो उनका चक्रा था ना उसके पास बैठ जाती और उसे चलाने लग जाती, और उसे कब तक चलाया करती थी, जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता, जब तक सनसेट नहीं हो जाता, ठीक है। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, चक्र को चलाते चलाते अपने प्रेयर्स गाया करती थी, प्रेयर भगवान से करा करती थी, प्रार्थना करती थी, राइट। तो यह बेसिकली अब उनकी नई रूटीन बन गई थी। ओनली इन दी आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड दी स्पैरोस। मतलब वो जो दादी माँ है ना वो चक्रा चलाने में इतनी व्यस्त हुआ करती थी, सिर्फ उनको एक आफ्टरनून के टाइम में, दोपहर के टाइम में ही टाइम मिलता था, थोड़ा सा टाइम निकालती थी रिलैक्स होने के लिए ताकि वो स्पैरोस को खाना दे सके। ओनली इन दी आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय में शी रिलैक्स फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए वह रिलैक्स कर लेती, थोड़ी थक जाती थी तो वो रुक जाती थी थोड़ी देर, टू फीड दी स्पैरोस, ताकि स्पैरोस को खाना दे सके, ओके, चिड़ियाओं को खाना मिल सके। कौन देंगे खाना, उनकी ग्रैंड माँ। वाइल शी सैट इन दी वेरेंडा ब्रेकिंग दी ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेल्डियम ऑफ चिरुपिंग्स। तो यहाँ पे क्या होता था, जब दादी माँ दिन को दोपहर के समय में ब्रेक लिया करती थी ताकि वो स्पैरोस को फीड कर सके, खाना दे सके, वेल शी सैट इन दी वेरेंडा मतलब वो वेरेंडा में जाती थी, बरामदे में, घर के बरामदे में जाती थी, और वहाँ पे जाने के बाद क्या करती थी, ब्रेकिंग दी ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स, जो ब्रेड होती थी उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी ताकि वो चिड़िया आराम से खा सके। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, बहुत सारे चिड़िया, बहुत सारे स्पैरोस, बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी, लिटिल लिटिल बर्ड्स लाइक हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, ठीक है, सौ पक्षी कलेक्टेड राउंड हर, मतलब दादी माँ के चारों ओर पक्षी पक्षी आ जाते हैं, छोटे छोटे लिटिल लिटिल बर्ड्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दादी माँ उन्हें खाना दे रही है, उन्हें फीड कर रही है, तो सब बारी बारी से खाने आ जाते, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिरुपिंग्स। वेरिटेबल मतलब ट्रूली, ठीक है, सचली। बेल्डम, बेल्डम का मतलब क्या होता है, अ प्लेस फुल ऑफ नॉइज, मतलब बहुत ही ज्यादा नॉइज हो रहा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही है। चिरुपिंग्स, चिरुपिंग्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली चिड़िया की आवाजें, जो वो चिड़िया आवाजें निकालती है ना उसे हम कहते हैं चिरुपिंग्स। स्पैरोस का साउंड, तो जैसे ही दादी उन्हें ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके बरामदे में डाला करती थी तो फिर बहुत सारी चिड़िया आ जाया करती थी और वह बहुत सारे वहाँ पर नॉइस हो जाया करता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चिड़िया आ रही है, इतने सारे लिटिल लिटिल बर्ड्स आ रहे हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारा नॉइस हो जाया करता था, बहुत सारी आवाज़ों से शोर हो जाया करता था। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। पर्च, पर्च मतलब क्या होता है, टू सिट मतलब बैठना। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स मतलब कुछ कुछ चिड़ियाएं ऐसी भी थी जो उनके पैरों पे आके बैठ जाया करती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कोई कोई कंधों पर भी आके बैठ जाया करती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कोई कोई चिड़िया तो ऐसी भी थी कि मतलब उनके सिर पे आके, दादी माँ के सिर पे आके बैठ जाया करती थी, पैर पे, कंधों पे, सिर पे, कहीं पे भी मतलब बैठ जाया करती थी। कौन? ये सारी चिड़ियाएं। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे।
क्या मतलब हुआ, जब भी मतलब चिड़िया पैर पे आके बैठती थी, कंधे पे आके बैठती थी या सिर पे आके बैठा करती थी, तो दादी माँ है ना मुस्कुराया करती थी, उस समय उन्हें खुशी मिलती थी। लेकिन वो इन रिटर्न के अंदर उन्हें उड़ाया नहीं करती थी, उन्हें शू शू करके भगाया नहीं करती थी, ठीक है। वह खुश हो जाती थी क्योंकि चिड़िया आके उनके पैर पे बैठ रही है, कंधों पे बैठ रही है, सिर पे बैठ रही है, उन्हें बहुत हैप्पीनेस मिलती थी, सेटिस्फाइड जिंदगी की तरह उन्हें लगता था, ठीक है। इट यूज़ टू बी दी हैप्पीएस्ट हाफ हार ऑफ द डे फॉर हर, मतलब जो वो ब्रेक लेती थी दिन को दोपहर के समय में, आफ्टरनून के समय में, वो जो हाफ हार था, जो वो आधा घंटा था, उनके लिए बहुत ही खुशहाल था, बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट था, बहुत ही हैप्पीनेस का काम करता था, उन्हें बहुत उससे सुख मिलता था, खुशी मिलती थी, ठीक है। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. तो यहाँ पे अब खुशवंत सिंह जी क्या कहते हैं कि जब खुशवंत सिंह जी ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब्रॉड जाएंगे, वो फॉरेन कंट्रीज में, मतलब उनकी कंट्री से बाहर जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो खुशवंत सिंह जी को यह बात पता थी अगर वो अब्रॉड जाएंगे पढ़ाई करने के लिए तो उनकी दादी माँ है ना पूरी डल हो जाएगी, पूरी अपसेट हो जाएगी, क्योंकि वो अपने पोते को बहुत ही ज़्यादा मिस करेगी, वह पूरी अपसेट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगी। कौन? उनकी दादी माँ। किनके लिए? खुशवंत सिंह जी के लिए। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, आगे के पढ़ाई करने के लिए मैं अब्रॉड जाऊँगा तो दादी माँ अपसेट भी हो जाएगी, लेकिन जो मैं टाइम पीरियड के लिए जाऊँगा ना, वह कितना टाइम पीरियड होगा? 5 years, 5 साल। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 days, 365 दिन। तो आप 365 into 5 years कर लीजिए, कितने दिन होंगे, दादी को एक दिन भी मतलब खुशी नहीं मिलेगी कि उनका पोता नहीं है उनके पास, तो ऐसे 5 साल कैसे बीतेंगे, कितना दुख होगा उन्हें, सिर्फ बात कर पाएगी, बात करने से उन्हें उनके दिल को खुशी नहीं मिलेगी। मैं 5 सालों के लिए अपनी दादी से दूर रहूँगा क्योंकि मुझे फर्दर स्टडीज़ करनी पड़ेगी, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, मतलब उनकी दादी माँ की इतनी एज हो गई है कि मतलब कोई कुछ कह नहीं सकता, वह हमें कल मिले या ना मिले। अगर खुशवंत सिंह जी ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब मैं अब्रॉड जाऊँगा पढ़ाई करने और जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे को मेरी दादी नहीं मिली, मैं अपनी दादी को वापस देख नहीं सका, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा रोना आएगा, बहुत ही ज़्यादा उन्हें बैड फील होगा, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएंगे कि मतलब वो अब्रॉड क्यों गए, वे उनकी दादी के पास क्यों नहीं रहे। जो आखिरी पल है, जो समय रहता है, वो उस समय तो रहना चाहिए ताकि मन के अंदर, दिल के अंदर कोई एक रिग्रेट वाली थिंग नहीं बने, ठीक है। तो इसलिए खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मतलब दादी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाएगी और उनकी एज के बारे में भी मतलब कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मतलब कल दादी माँ रहेगी या नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड थी, बूढ़ी हो गई थी, ओके। बट माई ग्रैंड मदर कुड, क्या मतलब हुआ? एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड, अगर जो आसपास के लोग हैं उन्हें देख के बता नहीं सकते कि मतलब कितने दिन दादी रहेगी, कब दादी हमें छोड़ के चल जाएगी, वह कोई नहीं बता सकता, लेकिन बट माई ग्रैंड मदर कुड, मतलब जो उनकी दादी थी ना, वह उन्हें खुद पता था कि वो सबको कब छोड़ के जाने वाली है, उन्हें पता था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब थोड़ा इमोशनल टाइप, मतलब जैसे ही दादी माँ को पता चला कि मतलब उनके पोते खुशवंत सिंह जी अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उनसे बहुत ही ज़्यादा दूर जा रहे हैं 5 सालों के लिए, 5 years के लिए, जैसे कि हमने पहले भी जाना कि मतलब दादी माँ ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना छोड़ दिया, उनकी खामोशी ही उनका जवाब था, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से होता है, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, पहले तो दादी माँ को भी बहुत दुख होया करता था कि मतलब मैं एक दिन भी अपने पोते से दूर नहीं रह सकती, लेकिन अब शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल कि मतलब वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई, ठीक है। वह रोई भी नहीं कि मतलब मेरा पोता बाहर जा रहा है, ठीक है, उन्होंने कोई भी ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं बताए। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, जो उनकी दादी माँ है ना खुशवंत सिंह जी को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई थी, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उनकी दादी माँ ने खुशवंत सिंह जी से बात भी नहीं करी और साथ में कोई भी इमोशन एक्सप्रेशन शो भी नहीं करा जो कि सिग्निफाई कर सके दादी दुखी हो रही है कि मैं जा रहा हूँ, दादी रोने लगी, ऐसे कुछ भी कोई भी एक्सप्रेशन सामने नहीं आए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, इवन एट द रेलवे स्टेशन शी वॉज प्रेइंग, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। जो उनकी दादी माँ थी वह रो नहीं रही थी, वह सिर्फ प्रेयर कर रही थी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ ऊपर नीचे मूव कर रहे थे, क्या चीज़ के लिए? प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, जो उनका माइंड था, जो उनका दिमाग था, वह प्रार्थना करने में व्यस्त था,
ठीक है, बिजी था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग दी बीट्स ऑफ हर रोसरी। जो दादी के हाथ थे, हाथ में जो उंगलियां थी, फिंगर्स थी, तो हाथ में माला भी थी, ये आपको ध्यान रखना है। रोसरी मतलब जो मोती होते हैं, माला होती है ना, उससे हम कहते हैं रोसरी, ठीक है। बीट्स ऑफ हर रोसरी मतलब क्या सिग्निफाई कर रहे थे, कि मतलब बेसिकली वो प्रेयर करने में व्यस्त है, बिजी है। जो उनकी उंगलियां थी ना, वो बेसिकली ये सिग्निफाई कर रही थी कि मतलब दादी माँ अभी प्रेयर करने में व्यस्त है। बेसिकली रोजरी मतलब माला, जो माला के अंदर जो मोती होते हैं, वह मोती गिने जा रही थी दादी माँ। साइलेंटली शी किस माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश दी मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। क्या मतलब हुआ इसका? तो जब खुशवंत सिंह जी को पता चलता है कि दादी माँ कोई भी इमोशनल शो नहीं कर रही होती है, पर जब वो निकल रहे होते तो साइलेंटली शी किस माई फोरहेड, तो एकदम चुपचाप से, मतलब रियल में नहीं करा, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। एक साइलेंट वे में जो उनकी दादी माँ है, उनके सिर को, उनका जो फोरहेड है ना, ऊपर का जो पार्ट है ना, उससे किस करा, किन्होंने, उनकी दादी माँ ने। जब आप ऐसी चीज़ें इमेजिन करते तो वो कितनी अच्छी लगती है, आपकी दादी माँ एकदम से आपको इमेजिनेशन में आपके सिर पर किस कर रही है, कितनी ब्यूटीफुल लगती है। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, तो वो जो किस होता है ना, जो किस होने के बाद में जो कुछ फीलिंग्स होती है ना, तो वो फीलिंग्स को जो लेखक होते हैं खुशवंत सिंह जी, वे चेरिश करते हैं, वे खुशी खुशी से हंसते हैं, वे एंजॉय करते हैं उस चीज़ों को, कि मतलब दादी माँ ने मुझे मेरे फोरहेड पे किस किया, एज एन कौन सा अजम्पशन में, इमेजिनेशन में, ठीक है, अपन अजम्पशन ले रहे, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। खुशवंत सिंह को भी पता था कि मतलब शायद मैं अगली बार आऊँ तो दादी मुझे जिंदा मिले या ना मिले, है ना, तो इसलिए वो चेरिश करके आराम से हंसते हंसते जा रहे थे, फील कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि मतलब दादी माँ ने उन्हें बहुत ही अच्छी से एक झपकी दे दी है, बहुत ही अच्छे से किस दे दिया है ना, बहुत ही खुशी होके, चेरिश होके वे जा रहे थे। तो यहाँ पे आप पूरे इस चैप्टर को इमेजिन कर सकते हैं, कितने सारी फीलिंग्स आ रही है, कितना सारा सैडनेस भी आ रहा है, कितने सारी हैप्पीनेस भी आ रही है, और एक जो प्यार का बंधन होता है दादी माँ और पोते के बीच में, जो रिश्ता होता है, फ्रेंडशिप होती है, वह आप सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सीन भी इसी तरीके से हो रहा है, जो उनके पोते होते हैं खुशवंत सिंह जी, वह जा रहे हैं उनके ग्रैंड मदर से दूर 5 सालों के लिए, और जो दादी माँ है, दादी माँ ने कुछ कहा भी नहीं, एकदम साइलेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब दोनों को कितना दुख हो रहा होगा। लेकिन एज एन अपॉर्चुनिटी देखे खुशवंत सिंह जी, पढ़ाई भी करने जा रहे हैं और साथ में अपने फील करते हैं कि मेरे को दादी माँ अगली बार ज़रूर मिलेगी, वे खुशी खुशी होके जाते हैं क्योंकि उन्हें अगली बार दादी माँ से मिलना है। जो भी सैडनेस के फैक्टर आते हैं उन सबको छोड़कर खुशवंत सिंह जी हंसते हंसते हैप्पीस्ट होके अपनी जर्नी में आगे निकलते हैं। बट डेट वॉज नॉट सो, आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। पर ऐसा नहीं था, दादी माँ जैसी थी वैसी ही थी। और जब 5 साल बाद खुशवंत सिंह जी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी स्टडीज कंप्लीट करके वापस जब स्टेशन पे आते हैं, तो उनकी दादी माँ उन्हें लेने भी आती है। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर पे आ गया एंड वॉज मेट बाय हर एट दी स्टेशन, और मैंने अपनी दादी माँ को वापस स्टेशन पे देखा, कि मतलब मेरी दादी माँ मेरे को लेने के लिए स्टेशन पे आई है सिर्फ मेरे लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खुशवंत सिंह जी कितना खुश होंगे, साथ में दादी भी कितना खुश होगी जब वो एक दूसरे को 5 साल बाद देखते हैं। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। जब 5 साल बाद खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी माँ को देखा था, तो उनकी दादी माँ कुछ ज्यादा ओल्डर नहीं दिख रही थी, मतलब एक दिन भी ज्यादा ओल्डर नहीं दिख रही थी। जब खुशवंत सिंह जी जैसे उन्हें छोड़ के गए थे वैसे के वैसे जब उन्हें 5 साल बाद देखे, वे एकदम सेम ही लग रही थी, वह कुछ भी चेंजेस नहीं लग रहा था उनमें, कि मतलब मेरी दादी माँ थोड़ी और एज की हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। जो कि हमने पहले पढ़ा था, खुशवंत सिंह जी सोच रहे थे कि मतलब अगली बार वह दादी को नहीं देख पाएंगे, तो उनकी वो जो सोच बेसिकली गलत थी, उन्होंने दादी को वापस देखा। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. क्या मतलब हुआ? She still had no time for words. मतलब 5 साल पहले जैसा नेचर था दादी का, वैसा ही नेचर अभी भी है, उनके पास बातों के लिए, शब्दों के लिए समय नहीं है। And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting prayers. और जब दादी माँ ने खुशवंत सिंह जी को गले लगाया, तो जो खुशवंत सिंह जी थे ना, वह सिर्फ एक ही चीज़ सुन पा रहे थे, जो कि है उनकी प्रेयर्स, जो कि दादी माँ प्रेयर्स बोल रही थी, सिर्फ वो ही सुन पा रहे थे, ठीक है। खुशवंत सिंह को खुशी भी हुई थी कि मतलब दादी माँ ने मुझे गले लगाया, इतने टाइम बाद मैं मिला हूँ उनसे, पर उनका जो नेचर था ना, उसके अंदर अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। अब यहाँ पे ये क्या सिग्निफाई करता है? आप समझ सकते हैं कि दादी माँ अभी भी दुखी है, अभी भी सैड है, अभी भी खुशी नहीं है उनके अंदर, ठीक है।
या जो भी चीज़ें हुई है वह उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुखी कर चुकी है। वह इतनी दुखी हो चुकी है कि मतलब वह हैप्पी नहीं हो पा रही है वापस। वह अपने पोते को देखी, पोते को देखने के बाद भी मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ शब्दों के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है। आप समझ सकते कि मतलब कितनी दुखी है वो अभी भी। गले लगाने के बाद में भी कुछ बोला नहीं, लेकिन खुशवंत सिंह जी सिर्फ इतना अज्यूम कर पा रहे थे कि मतलब दादी माँ अभी भी प्रेयर कर रही है, प्रेयर करने में, प्रार्थना करने में व्यस्त है, बिजी है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज हुम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रेवोलस रिबोक्स। फ्रेवोलस रिबोक्स, इसका मतलब क्या होता है? प्यार से डांटना, ठीक है, एंग्री है लेकिन प्यार से एंग्री है, लवली एंग्री, आप समझ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप समझे, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, अब खुशवंत सिंह जी क्या कहते हैं कि जिस दिन मतलब जो फर्स्ट डे था जब मैं आया था घर पे, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जो कि मेरा पहला दिन था घर पे आया हुआ, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोस, मतलब जो दादी का जो खुशी का दिन था ना, जो खुशी के मोमेंट्स थे ना, वो सिर्फ स्पैरोस चिड़ियाओं के साथ थे, मेरे साथ नहीं थे। दादी माँ अब मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही थी, मेरे साथ वो खुश नहीं थी, बल्कि स्पैरोस के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी, चिड़ियाओं के साथ अपना टाइम बिता रही थी। होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवोलस रेबुक्स। पहले हमें क्या पता था, जो दादी माँ थी दिन में दोपहर के समय में हाफ एंड हार, मतलब आधे घंटे के लिए चिड़ियाओं को दाने दिया करती थी, उन्हें खाना खिलाया करती थी, उन्हें फीड करा करती थी, लेकिन अब वो हाफ एन आवर का समय बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो चिड़िया है वह खुशवंत सिंह जी को रिप्लेस कर चुकी है। किनके लाइफ में? दादी माँ की लाइफ में। तो यहाँ पे बेसिकली दादी माँ क्या करती है, चिड़ियाओं को दाने डालती है और कुछ ज़्यादा समय के लिए डालती है, ठीक है, मतलब कोई हाफ एन आवर, एक घंटा, इतना कम टाइम पीरियड के लिए नहीं डालती है, लंबे समय के लिए डालती रहती है। एंड विथ फ्रिवोलस रिबुक्स, फ्रिवोलस रिबुक्स का मैंने आपको मतलब बताया, सॉफ्टली एंग्री होना, मतलब प्यार से गुस्सा करना। तो वो चिड़ियाओं को थोड़ा गुस्सा भी करती है, उधर जाके खाना, इधर नहीं खाना, इधर गंदगी हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे प्यार से डांटती है चिड़ियाओं को। पर यहाँ पे खुशवंत सिंह जी को खुशी नहीं होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब मैं रिप्लेस हो चुका हूँ किनसे, चिड़ियाओं से। दादी माँ मेरे साथ टाइम बिताने के लिए खुश नहीं है, जो उनका मोमेंट है ना हैप्पीएस्ट का, वो सिर्फ स्पैरोस के साथ है, चिड़ियाओं के साथ है। तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी हुआ करती थी, चिड़ियाओं को दाना डालना, इन सब चीज़ों का समय बढ़ गया है। किनके लिए? दादी माँ के लिए। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे। अब यहाँ पे आप कुछ एक स्टोरी के अंदर नया ट्विस्ट देख सकते हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और उसी दिन जिस दिन खुशवंत सिंह जी घर लौटे, उसी शाम को इवनिंग के समय में अ चेंज केम ओवर हर, उनकी दादी माँ में थोड़ा बदलाव आया। अब वो क्या बदलाव आया, क्या ट्विस्ट आया, अब हम देखते हैं। शी डिड नॉट प्रे, जो उनकी दादी माँ प्रार्थना करती थी वह उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, वो बेसिकली उस दिन प्रार्थना नहीं करती है। कौन? खुशवंत सिंह जी की दादी माँ। तो अभी तक ये जो आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है, यहाँ तक दादी माँ ने एक दिन भी प्रार्थना करना, प्रे करना मिस नहीं करा, राइट। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक थोड़ा सा बदलाव आया है, दादी माँ ने शाम के समय में प्रे करना बंद कर दिया उस दिन के लिए। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो दादी माँ है ना, शाम के समय में प्रेयर नहीं करी, इंस्टेड ऑफ प्रेयर उन्होंने क्या करा, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, जो उनके आसपास में, आस पड़ोस में जितनी भी महिलाएं थी, जितनी भी औरतें थी, सबको इकट्ठा करने लग गई। कौन? दादी माँ। गॉट एन ओल्ड ड्रम, मतलब एक पुराना ड्रम, पुराना ढोलक लेके आ गई, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और खुशी खुशी से गाना गाने लग गई। फॉर सेवरल हार्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होमकमिंग ऑफ द वॉरियर्स। क्या मतलब हुआ? अब जो हमें पता है कि दादी माँ ढोलक लेके आ गए, ढोलक बजा रही है, गाना गा रही है, आसपास की औरतों को इकट्ठा कर चुकी है, तो क्या करी? फॉर सेवरल हार्स, मतलब कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए, दादी थम्प्ड द सैगिंग स्किन, मतलब जो एक ढोलक होता है, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है जो हम ढोलक बजाते हैं, तो उसको थम्प करने लगे, मतलब जोर जोर से पीटने लग गई, जोर जोर से बजाने लग गई उस ड्रम को। सैगिंग, सैगिंग मतलब क्या होता है, ढसा हुआ, मतलब अंदर दबा हुआ। अब दादी क्या कर रही है, दादी जोर जोर से ड्रम को बजा रही है, तो जो राइट और लेफ्ट साइड का जो मतलब वो कवर होता है ना, जो ड्रम का जो स्किन होती है ना, मतलब बेसिकली खुशवंत सिंह जी की दादी ने उस ड्रम को इतना जोर जोर से बजाया कि वो जो स्किन थी ना उस ड्रम की, वह अंदर
धस रही थी, वह अंदर जा रही थी। डिलैपिडेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना, जो ड्रम था ना वह डिलैपिडेटेड ड्रम था, मतलब वो कुछ पुराना ड्रम था। तो उस पुराने ड्रम को दादी माँ जोर जोर से पीट रही थी, और पीटने के बाद वो जो ड्रम की स्किन थी वह अंदर धस रही थी, अंदर फेड हो रही थी, ठीक है। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स, वेरियर्स का मतलब जो योद्धा होते हैं, जो मतलब लड़ाई करने गए हुए हैं, वो सक्सेसफुली लड़ाई करके वापस घर पे आ गए। जैसे आपने महाभारत में देखा, रामायण में देखा, जब वो घर पे आते हैं जिस तरीके से स्वागत किया जाता है, तो दादी भी खुशवंत सिंह जी का कुछ इस तरीके से स्वागत कर रही थी घर पे आने के बाद। ओके, सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वैरियर्स, मतलब जब भी कोई योद्धा लड़ाई करके जीत के वापस आते हैं ना, तो मतलब जिस तरीके का गाना गाया जाता है उस समय में, तो उसी तरीके का गाना दादी माँ खुशवंत सिंह जी के लिए गा रही थी। कुछ इस तरीके से गाना गाते हुए अपने पोते का स्वागत करा, योद्धा को इमेजिन करते हुए स्वागत करा। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, डैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर डैट शी डिड नॉट प्रे। मतलब जो भी घर के मेंबर्स थे, खुशवंत सिंह जी थे, उनके पेरेंट्स थे, तो उन सबको दादी माँ को मनाना पड़ा था कि मतलब दादी माँ बस रुक जाइए, आप थक जाएंगे, ओवर स्ट्रेनिंग मतलब आप थक जाएंगे। आप समझ सकते हैं यहाँ पे अभी दादी माँ कितनी खुश है, उनका उनका पोता अब्रॉड से पढ़ाई करके वापस फाइनली उनके पास लौट के आ गया है, अब वो कभी उनसे दूर नहीं जाएगा। इसी खुशी के लिए दादी माँ ढोलक बजा रही थी और वो रुक नहीं रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुशी से आनंद से ढोलक बजा रही थी, बहुत ही तेज तेज पीट रही थी, इतनी एनर्जी दे रही थी जैसे कि मतलब वो थक जाएगी। जो घर के लोग थे उन्हें थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा था कि मतलब दादी माँ इतना कुछ कर रही है, इतनी सारी एनर्जी यहाँ पे अपनी व्यक्त कर रही है, तो मतलब उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, इसलिए वह उन्हें रोक रहे थे। डैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर डैट शी डिड नॉट प्रे। यह मैं मेरी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं मेरी दादी माँ को जानता हूँ, जब से मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दादी माँ ने आज प्रे नहीं करा, आज उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, क्योंकि वो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई है। तो जो घर वाले थे ना, उन्हें थोड़ा कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मतलब दादी माँ इतना जोर जोर से ढोल बजा रही है, एंजॉय कर रही है, ताकि कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, है ना। तो लेकिन वही हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, जो डर था वही हुआ, दादी माँ अगली सुबह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस डैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस डैट इट वुड गो, मतलब अगले दिन जब दादी थोड़ी सी बीमार हो गई थी, तो हल्का बहुत थोड़ा सा बुखार आया था सिर्फ, ठीक है, माइल्ड फीवर था, बहुत ही कम, मतलब बेसिकली 10% 15% कुछ इतना ही फीवर था, कुछ ज़्यादा बड़ा फीवर नहीं था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस डैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने क्या बोला था कि मतलब ये छोटा मोटा फीवर है, ये चल जाएगा इन नो टाइम, ठीक है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर जो उनकी दादी माँ है ना, वो उन्हें पता था कि मतलब अब वो ठीक होने वाली नहीं है, वो कुछ और ही दूसरे तरीके से देख रही थी, डिफरेंटली वो सोच रही थी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि मतलब उनके घर में कोई भी नहीं जानता कि उनका आखिरी दिन कब होगा, बट उन्हें ही पता है कि उनका आखिरी दिन कब होगा, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे दादी माँ भी कुछ डिफरेंटली थिंक करने लग जाती है। शी टोल्ड अस डैट हर एंड वॉज नियर, अब यहाँ पे दादी माँ है ना घर के सब लोगों से कहती है कि उनका जो एंड है, उनकी जो लाइफ का जो एंड है, वह अब पास में आ चुका है, ठीक है, वो अब सबको छोड़ के जाने वाली है। उन्होंने अब सबको बता दिया कि उनका अंत बहुत निकट है, ठीक है, वह अब मरने वाली है, वह अब सबको छोड़ के जाने वाली है। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे, शी सेड डैट सिंस ओनली अ फ्यू hours बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे, शी was नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू us। तो अब यहाँ पे दादी माँ पता है क्या कहती है, तो दादी माँ सबसे कहती है कि जो उनका अंत है ना, जो उनका एंड है ना लाइफ का, लास्ट चैप्टर है ना, वह बहुत ही ज़्यादा निकट है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। शी सेड डैट सिंस ओनली अ फ्यू hours बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे। दादी माँ यह भी कहती है कि अब कुछ ही घंटे बचे हैं उनकी लाइफ के लिए, कुछ ही देर बची है उनकी लाइफ के लिए, और जो ये कुछ देर है ना, यह वो बातें करने में, शब्द बयां करने में वेस्ट नहीं करना चाहती। बट इंस्टेड ऑफ डैट शी हैड omitted टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो है ना हमसे बात नहीं करना चाहती, वो जो उनका जो समय बचा है, वो समय को प्रार्थना करने में व्यक्त करना चाहती है, ठीक है, वो कुछ ही देर बची है, वे बातें करने में वेस्ट नहीं करना चाहती, वह किसी से भी बातें करके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट,
वी प्रोटेस्टेड, मतलब हम लोगों ने थोड़ा उनके अगेंस्ट में जाके बोला कि मतलब आप जप मत करो, आप प्रे मत करो, आप कहीं भी नहीं जा रहे हो, आप यहीं पे हो। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन उनकी दादी माँ ने किसी की भी बात नहीं सुनी और प्रे करने में बिजी ही रही। उन्हें बहुत समझाया, उन्हें बहुत ही प्यार से कुछ कहा, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। दादी माँ ने उन सबके प्रोटेस्ट को इग्नोर करा बेसिकली, ठीक है। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, मतलब जो दादी माँ है ना, वह बिस्तर पे लेटी रही, पड़ी रही और मतलब प्रे करती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही। एंड टेलिंग हर बीड्स, जो उनकी रोजरी बीड्स से जो माला थी वह माला जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, मतलब हमारे अंदाज़ा लगाने से पहले, हमारे इमेजिन करने से पहले ही हर लिप स्टॉप्ड, मतलब उनकी दादी के जो होठ थे एकदम से प्रे करते करते बंद हो गए। हर लिप्स स्टॉप मूविंग, मतलब ऊपर नीचे जो लिप्स मूव कर रहे थे, प्रे हो रहे थे, दादी माँ प्रे कर रही थी, वह जो उनकी लिप्स है ना, वह मूव करना स्टॉप हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी उनके हाथ में जो प्रे कर रहे थे, उस माला से वे एकदम से उनके हाथ से गिर जाती है। फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, मतलब जो उनकी लाइफ थी दादी माँ की, अब वो चले गई, अब दादी यहाँ पे मर गई है। तो बेसिकली अब दादी माँ खुशवंत सिंह जी को, उनके पेरेंट्स को, उनके पूरी फैमिली को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। और ये सब सिर्फ दादी माँ को पता था कि मतलब ये सब कब होने वाला है, घर में किसी को नहीं पता था। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. Peaceful, peaceful मतलब शांति, ठीक है, एकदम peaceful, pallor मतलब कुछ एक येलो कलर की थिंग जो उनके फेस पे छा गई है, जैसे कि a peaceful pallor spread on her face, जब दादी माँ उन सबको छोड़ के चले गई है तो उनके चेहरे पे एकदम मतलब चेहरा पूरा येलो येलो हो जाता है, ठीक है। And we knew that she was dead, और सबको पता चल जाता है कि अब उनकी दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। और खुशवंत सिंह जी को बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, वे एक नॉर्मली एक सिस्टम था, एक प्रोसेस है सबके लिए, सब लोग पहले ये एजुकेशन करेंगे, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप होगा। लेकिन उनकी दादी माँ को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और दादी माँ इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी। और उनकी जो साइलेंस था ना, वो साइलेंस लास्ट में क्या बन के निकला है, हैप्पीनेस, हैप्पीएस्ट मोमेंट बन के निकला है, जो उन्होंने ढोल बजाया था खुशवंत सिंह जी के लिए, जैसे कि एक वैरियर आ गया हो लड़ाई करके जीत के। तो यह सारी बातें हैं। लेकिन अब फाइनली दादी माँ उनके साथ नहीं रही है, दादी माँ खुशवंत सिंह जी को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट इज़ अ कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड। क्या मतलब हुआ, जब सबको पता चल गया दादी माँ अब नहीं रही है, तो वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, वी रेफर्स टू कौन है, खुशवंत सिंह जी और उनकी फैमिली, ठीक है, उन्होंने दादी माँ को उठाया। We lifted her off the bed, मतलब उनके बिस्तर से दादी माँ को सब लोगों ने उठाया। And as is customary, जो कि यह रीति रिवाज है, laid her on the ground and covered her with a red shroud. तो जैसे कि यह एक रीति रिवाज है, जब भी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उन्हें उठाया जाता है और ग्राउंड पे एक लाल कपड़े से कवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से किया गया है। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. Mourning का मतलब क्या होता है, शोक। After a few hours of mourning, मतलब कुछ घंटों के शोक के बाद, we left her alone, हमने दादी माँ को अकेला छोड़ दिया, to make arrangements for her funeral, मतलब दादी माँ को ले जाने के लिए जो funeral का प्रोसेस होता है वह करने के लिए हम निकल पड़े, मतलब उन्हें जलाने के लिए। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. और शाम के समय में वह जब मतलब जो फनल के अरेंजमेंट्स करने के बाद जो शाम के समय में वापस दादी के कमरे में आते हैं सब जने, और दादी को एक क्रूड स्ट्रेचर पे लेटाते हुए लेके चल जाते हैं, जैसे कि एक सीढ़ी टाइप होता है ना, जिसपे एक पर्सन को लेटा के शमशान घाट ले जाया जाता है जो क्रीमेटेड जलाने के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर दादी के साथ भी ये प्रोसेस हो रही थी, मतलब इवनिंग के समय में बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया अंदर और दादी को लेटाया गया और ले जाया गया। दिस सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विथ अ ब्लेस ऑफ गोल्डन लाइट। क्या मतलब हुआ, जबकि शाम का समय था, इवनिंग का समय था, जो सूरज था, दिस सन वॉज सेटिंग, सूरज ढल रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, तो उसी समय में जो लाइट्स आती है ना, आगे देखो, एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विथ अ ब्लेस ऑफ गोल्डन लाइट,
जो उनका रूम था और वेरेंडा था दोनों ऐसे डायरेक्शन में थे कि मतलब सूर्यास्त की जो रोशनी आ रही थी वह रोशनी पूरी एकदम गोल्डन लिट हो गई है, गोल्डन लाइट की तरह वहाँ पर छा गई है, कुछ इस तरीके का माहौल बन गया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन दी कोर्टयार्ड, मतलब दादी को ले जाते हुए एकदम से बीच में आंगन में रुक जाते हैं, ठीक है। ऑल ओवर दी वेरेंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन दी रेड शॉरड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन दी फ्लोर। लेकिन हम क्या करें, हम आधे आंगन में जाके रुक गए, क्यों, क्योंकि ऑल ओवर दी वेरेंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन दी रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन दी फ्लोर। तो यहाँ पे एक सीन और होता हुआ आप देख सकते हैं, जैसे ही दादी को बाहर लेके जा रहे होते हैं तो एकदम से मतलब गोल्डन लाइट बन जाती है रूम और वेरेंडा के बीच में। वह जो दादी को लेके जा रहे होते हैं वे एकदम से रुक जाते हैं, ठीक है। क्यों रुक जाते हैं, यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है, वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, मतलब दादी माँ के रूम से लेकर और जहाँ पे दादी माँ की अभी डेड बॉडी थी, जहाँ पे वो खड़े हो गए थे आंगन में, वहां तक पूरा आपको पता क्या हुआ था, मतलब रूम से लेके जहाँ पर दादी माँ की डेड बॉडी थी जो कि लाल कपड़े से व्रैप हुई हुई थी, तो वहां पे कुछ ऐसा सीन हुआ, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, मतलब हजारों चिड़ियाएं वहां पर आके बैठ गई थी, जैसे कि मतलब दादी चले गई है तो जैसे कि मतलब शमशान घाट में सब लोग आके बैठते हैं ना, वैसे उसी तरीके से जो बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज दादी के पास में आके बैठ गई थी, मतलब रूम से लेके जहाँ पे दादी की डेड बॉडी थी वहां तक का जितना स्पेस था ना वह पूरा कवर किसने कर लिया था, स्पैरोज ने कवर कर लिया था, तो इसलिए वो लोग रुक गए थे। कौन, खुशवंत सिंह जी और उनकी फैमिली जो दादी को लेके जा रहे थे ना वो वहां पे ही रुक गए थे। इन दी हाफ वे ऑफ दी कोर्टयार्ड, इन दी मतलब आंगन के बीच में, देर वॉज नो चिरपिंग, पहले हमने जाना था जो चिड़ियाओं की आवाजें थी, मतलब दादी उन्हें थोड़ा प्यार से डांट के उन्हें खिला रही थी, वह बहुत ही ज्यादा नॉइस कर रहे थे, चिड़िया बहुत ही आवाजें कर रही थी, लेकिन आज क्या हुआ, जब थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोस आ गई उनका अंतिम संस्कार करने के लिए तो वहाँ पे कोई भी चिरपिंग नहीं थी, नॉट इवन ए सिंगल साउंड था वहाँ पे, सब लोग साइलेंट थे, ठीक है। देर वॉज नो चिरपिंग ऑफ दी स्पैरोज, चिड़ियाओं की कोई भी आवाज़ें नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर दी बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी लोग थे घर वाले तो वो बहुत ही ज़्यादा बैड फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे कि मतलब आज दादी माँ जिंदा नहीं है कि उन्हें खाना दे सके, उन्हें फीड कर सके, तो इसीलिए उनकी मदर, खुशवंत सिंह जी की मदर, फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। आप इसे बेसिकली कुछ इस तरीके समझ सकते हैं जैसे कि यह कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो खुशवंत सिंह जी की मम्मी कुछ ब्रेड लेके आती है, उनका टुकड़ा कर देती है और जो भी बहुत सारी चिड़ियाएं आई होती है उन्हें सब फीड कर देती है, उन्हें दाना दे देती है, खाने के लिए दे देती है। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, तो जो खुशवंत सिंह जी की दादी थी वह जिस तरीके से छोटे छोटे प्यार से टुकड़े करते हुए उन चिड़ियाओं को खाना दिया करती थी, उन्हें फीड करा करती थी, उसी तरीके से खुशवंत सिंह जी की मम्मी ने भी यही प्रोसेस अपनाई, ठीक है। शी ब्रोक इंटू लिटिल लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े करे उस ब्रेड के, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि उनकी ग्रैंड मदर उनकी दादी माँ किया करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उन चिड़ियाओं के ऊपर फेंक दी, मतलब बेसिकली उनके ऊपर दे दी, डाल दिया खाना, ठीक है। दिस स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मतलब एनिमल्स को भी फीलिंग्स होती है, ठीक है, अगर आप उन्हें प्यार देंगे तो वो भी आपको प्यार ही देंगे, उन्हें भी बहुत दुख होगा आपके जाने के बाद, बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। जब दादी माँ उन्हें ब्रेड दिया करती थी आराम से खुशी खुशी सब चिड़ियाएँ चू 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 चिरपिंग करते हुए खाया करती थी, बहुत ही नॉइस करते हुए खाया करती थी, लेकिन जब खुशवंत सिंह जी की मम्मी ने यह सारी ब्रेड छोटे छोटे टुकड़े करते हुए चिड़ियाओं को दी तो चिड़ियाओं ने पता है क्या किया, दिस स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने ब्रेड पे मतलब उन्होंने ब्रेड के ऊपर बेसिकली मतलब खाने पे ध्यान भी नहीं दिया, उन्हें भी दुख हो रहा है कि मतलब दादी माँ जा चुकी है। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो जैसे कि हमें पता है जो स्पैरोज थी, जो ढेर सारी थाउजेंड्स ऑफ चिड़ियाएं थी, वे उन्होंने खाने पे भी ध्यान नहीं दिया, एक एक चिड़िया ने भी खाने पे ध्यान नहीं दिया, सब लोग सारी चिड़ियाएं बहुत ही ज़्यादा दुखी थी क्योंकि दादी माँ जा चुकी है, जैसे कि वह उनका अंतिम संस्कार करने आई हो, इस तरीके से सब बिहेव कर रहे थे। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब चिड़िया को खाना डाल दिया तो उन्होंने भी खाना नहीं खाया, तो जो वो घर वाले लोग थे ना वो भी समझ गए थे यह खाना नहीं खाएंगे,
और कुछ देर बाद जब दादी की डेड बॉडी वापस उठा लिए वे लोग, वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। जैसे वो ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को उठा लेते हैं तो जो आजू बाजू में जो चिड़ियाएँ होती है ना, स्पैरोस होती है ना, वह चुपचाप से उड़ जाती है वहाँ से। क्वाइटली फ्लू अवे, फ्लू अवे क्वाइटली मतलब कुछ बोलती नहीं है, रोती भी नहीं है, कुछ इमोशन भी नहीं दिखाती है, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। स्वीपर, स्वीपर का मतलब क्या होता है, एक पर्सन जो झाड़ू लगाने वाला है, ठीक है। तो अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट मतलब जो झाड़ू लगाने वाला आदमी था अगली सुबह में, तो उसने क्या करा, ब्रेड क्रम्स जो जो टुकड़े करे थे पिछले दिन, जो जो ब्रेड के टुकड़े करे थे ताकि वो चिड़िया खा सके, चिड़ियाओं ने तो खाया नहीं, अब वो वैसे के वैसे ही पड़े थे। तो अगली सुबह जो झाड़ू लगाने वाले थे ना, तो उसने उसे उठाकर डस्टबिन के अंदर डाल दिया। तो बेसिकली ये चैप्टर पूरी दादी के ऊपर था, जो उनका लव अफेक्शन था, जो उनका प्यार था खुशवंत सिंह के ऊपर, और जो मतलब जो उनका गुस्सा था, जो प्यार वाला गुस्सा था जो हमें देखने को मिलता है रियल लाइफ के अंदर, वह सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई है। और हम सबको पता है कि हम अपनी दादी से कितना प्यार करते हैं। इस कहानी से आप कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसा भी सीख सकते हैं कि मतलब आप कितने भी बिजी हो अपने लाइफ में, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, दादा दादी मम्मी पापा, उनके लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि आपको पता नहीं कल वो होंगे या नहीं होंगे। टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, और आपको टाइम कभी भी कुछ नहीं बताता है, आपको खुद उसके काबिल बनना पड़ता है। और टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी फास्ट भागता है, ठीक है, पर लेकिन जो साथ में रहता है वह रह जाती है मेमोरीज़।